ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾਲ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਸਦਾਏ ਸਰਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਕੇਬਲ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦਾ ਫੈਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਬੱਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੱਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। प्रॉब्लम आई है कि इसकी एक्सीलेटर केबल टूटी है और उसने इसका फ़ैन बेल्ट है वो भी तोड़ दिया और साथ उसका जो फ़ैन है रेडिएटर का वो भी तोड़ दिया। हरियाणा गवर्नमेंट ने पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और वो जो लड़का कुदरती हमारे साथ जा रहा था मोटरसाइकिल वाला, उसने देखा है, वो मिस्त्री था, मिस्त्री मैकेनिक था, उसने देखा है तो वो फ़ौरन वापस आया। उसने बड़ी हेल्प की हमारी और वो सारी चीज़ें लेके अब उम्मीद है कि 10-15 मिनट शायद लगे और गाड़ी सेट हो जाए। ये बस चलती आ रही है, ये पाकिस्तान टूरिज्म बस जो है चलते चलते एकदम से ख़राब हो गई। ख़राब होने के पश्चात सभी कर्मचारी अधिकारी यहाँ मौके पर पहुँच गए और उसको जो है ना अभी ठीक करवाया जा रहा है। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।